नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कहानियों में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो, वैभव की जिंदगी वो जिए। लेकिन कई बार हमारा ये सपना पूरा नहीं हो पाता और उस सपने को पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भगवान का साथ भी चाहिए होता है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे व्रत के बारे में जिसको करने से आप माँ लक्ष्मी को पा सकते हैं, धन धान्य को पा सकते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ गज लक्ष्मी व्रत की। गज लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का ही रूप है। अगर आप इस व्रत को करते हैं पूरे विधि विधान से तो माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा आप पर करती हैं। दोस्तों पितृ पक्ष में एक व्रत पड़ता है जिसे माँ गज लक्ष्मी के व्रत के नाम से जानते हैं। यह व्रत हर साल पितृ पक्ष में यानी कि अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस बार यह व्रत 10 सितंबर को पड़ रहा है और बहुत ही अच्छे योगों के साथ पड़ रहा है। इस व्रत को करने से आप माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। कहते हैं कि जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है वह हर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने कार्य में निरंतर प्रगति करते हैं, सफलता पाते हैं। तो दोस्तों इस बार यह व्रत 10 सितंबर को पड़ रहा है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इस व्रत को करने की पूरी विधि और इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों माँ गज लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:43 तक। लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा का जो सही समय माना जाता है वो शाम को 4 के बाद माना जाता है। दोस्तों माँ गज लक्ष्मी की पूजा की विधि क्या है? दोस्तों आपको अष्टमी तिथि को शाम को स्नान करने के बाद एक चौकी लेनी है। उस चौकी पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है और लाल वस्त्र बिछाने के बाद आपको वहां पर केसर और चंदन से अष्ट दल कमल बनाना है। उसके बाद आपको वहां पर एक कलश रखना है। अष्टदल कमल बनाने के बाद आपको वहां पर कुछ अक्षत और कलश की स्थापना करनी है। उसके बाद आपको एक कमल बनाना है जो कि हल्दी और रोली से आप बना सकते हैं। कमल बनाने के बाद आपको वहां पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी है और ध्यान रहे कि पूजा में आपको मिट्टी के हाथी जरूर लेने हैं। दोस्तों माँ लक्ष्मी की पूजा में हाथियों का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ गज लक्ष्मी की पूजा में जब आप हाथी को रखते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि गज माँ लक्ष्मी की सवारी माने जाते हैं। उसके बाद आपको माता की जैसे पूजा करते हैं विधि विधान से आपको पूजा करनी है, दीप जलाने हैं, उनकी आरती करनी है, धूप दीप देने हैं, फूल अर्पित करने हैं। इसके बाद माना जाता है कि अगर आप इस दिन सोना खरीदते हैं तो वह बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो आप सोने की कोई चीज पूजा में जरूर रखें। पूजा आरती करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपक जलाने हैं। वो आपकी श्रद्धा है कि आप कितने भी दीपक जलाएं, आप 5, 7, 10 आपकी मर्जी के हिसाब से आप मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम उन दीपकों को जलाते हैं। दोस्तों इस व्रत को करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है जिनको आपको उस दिन नहीं करना है। दोस्तों इस व्रत को करते समय आपको बुराई नहीं करनी है किसी की, आपको बुराई से दूर रहना है, अपने मन को स्वच्छ रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है। आपको गंदे वस्त्र नहीं पहनने, आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं और घर को भी आपको साफ सुथरा रखना है। दोस्तों इस व्रत में आपको कन्याओं को उपहार देना है, उन्हें प्यार करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। दोस्तों ये है कुछ बातें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी बातें जो हमने आपको बताई कि माँ गज लक्ष्मी के व्रत को आप किस तरह से करें, क्या क्या विधि विधान से आप उनका पूजन करके उनकी कृपा पा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल व्रत त्योहार कहानियों से।
और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।